हाँ जी किदा फिर दिस इज यश, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, चाहे वो फैट लॉस करना हो या मसल गेन करना हो, दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहला स्टेप है, आपको पता होना चाहिए कि आपका BMR और मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइडियल बॉडी वेट, BMR, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है क्या। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट टू लूज वेट एंड यू नीड टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस ताकि आपकी मसल गेन हो। तो अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का आइडिया ही नहीं होगा, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट योर BMR इज एंड हाउ मच कैलोरीज यू रिक्वायर। तो सबसे पहले समझते हैं कि BMR है क्या। BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑफन कंफ्यूज विद RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। दोनों में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो BMR इज नथिंग बट मिनिमम कैलोरीज जो आपकी बॉडी को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, मतलब ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये सब नॉर्मल बॉडी फंक्शन करने के लिए आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं हम BMR के थ्रू। मतलब कोई बंदा अगर पड़ा हुआ है पूरे दिन, तब भी उसको मिनिमम इतनी कैलोरीज चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो भाई अब पता तो लग गया BMR है क्या, बट इसे कैलकुलेट कैसे करें। आपको गूगल पे ही 3 से 4 डिफरेंट तरीके के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे BMR कैलकुलेट करने के, लेकिन जो बहुत कॉमन और रिलायबल है मैं आपको वो नीचे स्क्रीन में शेयर कर दूंगा। मेन और वेमेन के लिए दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। आप अपना हाइट और वेट डालिए, आपको BMR 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा, मतलब आपकी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द डे आपको पता लग जाएगी। लेकिन अगर आपका भी मैथ्स में हार्ट टाइट है और ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में M1 में बैक आई थी, सबकी M1 में बैक नहीं आती लक्ष्मण, तो बहुत सिंपल एप्स भी आती हैं जिसमें आप अपना हाइट और वेट करिए, आपको कैलकुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उससे भी आपको अपना BMR पता लग जाएगा। गूगल प्ले पे आपको एप्स अवेलेबल है, गो चेक इट आउट। तो आप किसी भी फॉर्मूले या ऐप से अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 50 से 100 कैलोरीज का डिफरेंस आ सकता है, ज्यादा लोड नहीं लेने का, इतनी कैलोरीज ऊपर नीचे वैसे भी हो जाती है हमारे दिन। तो भाई अब आपको BMR कैलकुलेट करना आ गया, आप इजीली अपना गोल अचीव कर सकते हो। टाटा गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो BMR तो सिर्फ वो इंडिकेटर है कि आपको बेड पे पड़े पड़े वेब सीरीज देखते हुए कितनी कैलोरीज बर्न करनी है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन हम इंसान है, हमें पैसे वैसे कमाने हैं, तो भाई चलना फिरना पड़ता है, तो हमें अपना टोटल डेली एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, जो कि इंडिकेटर होता है कि हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो टोटल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी या TDEE निकालने के लिए आपकी बहुत चीजें काउंट होती है, जैसे कि BMR, नीड, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड एंड फाइनली योर इंटेंशनल एक्सरसाइज। तो BMR निकालना हम सीख चुके हैं, अब बात करते हैं नीड की। नीड होता है आप अनप्लान्ड एक्टिविटीज लाइक बैठना, चलना या बैठे बैठे चूतियों की तरह तबला बजाना, कुछ भी जो भी आप करते हो अनइंटेंशनली उसमें कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वो सब नीड में आता है। दूसरा फैक्टर हो हमारा थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब आप जो भी खा रहे हो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, उसको डाइजेस्ट होने में जितनी भी आपकी कैलोरीज लग रही हैं, उसको कहते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। सबसे ज्यादा होती है वो प्रोटीन की, तभी बोलते हैं डाइट में प्रोटीन ज्यादा खाओ, ताकि वो डाइजेस्ट होने में ही कैलोरीज यूज हो जाए। और तीसरी चीज है हमारी इंटेंशनल एक्सरसाइज। तो जब हम इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, तब मिलता है हमारा टोटल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो TDEE निकालना कैसे है, इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, BMR इनटू एक्टिविटी मल्टीप्लायर। आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी जिसमें आप अपना एक्टिविटी लेवल देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप अपने BMR को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मॉडरेट लेवल पे करते हैं तो 1.3 से, और थोड़ा सा हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो 1.725 से, और आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब पूरे हफ्ते आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, तो 1.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको फाइनली अपना टोटल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज मिल जाएगा। तो जब आपके पास TDEE आ गया, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको फैट लूज करना है, तो आप उतनी कैलोरीज कम खाइए अपने TDEE से, आपका फैट लूज होगा। अगर आपको मसल गेन करना है, तो अपने टोटल डेली एक्सपेंडिचर से कैलोरीज ज्यादा खाइए, आपका मसल गेन होगा। इट्स दैट सिंपल। पीपल हैव मेड दिस फिनोमेना वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज वेरी वेरी इजी। बस आपको ऑनेस्टली अपनी एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, ये नहीं कि भाई
आप मॉडरेटली एक्टिव हो और आप अपने आप को हाईली एक्टिव दिखा के 1.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मिलेगा. लेकिन इफ यू आर ऑनेस्ट, यू कैन ईजली गो ऑन अ डाइट टू गेन मसल और लूज फैट. तो आपको BMR और TDE निकालना आ गया है, तो आप बहुत ईजिली अपना गोल सेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं उसकी तरफ. लेकिन मैं एड्रेस करना चाहूंगा बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं BMR निकालते हुए. अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से कम है, मतलब आप लीन हो, मस्कुलर हो या फिर एकदम स्किनी भी हो, तो आप अपना BMR नॉर्मल बॉडी वेट पे ही निकालोगे, जितना आपका करंट बॉडी वेट है. लेकिन अगर आप फैट हो, ओबीस हो और आपको लगता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से ऊपर है, तो आप अपना BMR नॉर्मल बॉडी वेट पे नहीं निकाल सकते. आपकी सारी कैलकुलेशन गलत आने वाली हैं और आपका कैलोरी इंटेक बहुत ऊपर आएगा, क्योंकि आपके पास वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट है जो कि आपका वेट बढ़ा रही है एंड दस आपका BMR बढ़ा रही है. सो यू विल कैलकुलेट योर BMR ऑन आइडियल बॉडी वेट. आइडियल बॉडी वेट होता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए. इसको निकालने के लिए आपको मैं फॉर्मूला स्क्रीन पे दे रहा हूँ नीचे. फॉर अ रफ आइडिया, आप आइडियल बॉडी वेट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, योर हाइट इन सेंटीमीटर -105 इफ यू आर अ फीमेल, योर हाइट इन सेंटीमीटर -100 इफ यू आर अ मेल. तो ऐसे निकलेगा आपका आइडियल बॉडी वेट. अगर आपका बॉडी फैट 20 से कम है तो आपका BMR करंट बॉडी वेट पे निकलेगा. लेकिन अगर बॉडी फैट 20 से ऊपर है तो कैलकुलेट योर BMR ऑन योर आइडियल बॉडी वेट. तो आप BMR और मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना सीख चुके हैं. नाउ यू कैन इजीली सेट योर फिटनेस गोल एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट BMR एंड मेंटेनेंस कैलोरीज. अगर आपको अपना डाइट प्लान बनाना सीखना है या फिर आपको पता करना है कि आपको डाइट में कितने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स डालने चाहिए, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई होप दिस वीडियो हेल्प. पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो मी ऑन Instagram @onemorerep. Once again, thank you for watching.